हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द शर्मा फैमिली ब्लॉग्स और यहाँ पर मैं आपको अपना नया बेड दिखा रही थी कि न्यू uh, बेड लिया था मैंने ये स्टोरेज वाला बेड है जैसे हमारे इंडिया में बेड होते हैं ना uh, पूरे लाइक नीचे फुल स्टोरेज वाले वो है uh, uh, तो दे आर वेरी स्पेशियस बहुत अच्छा इसके अंदर स्पेस है काफ़ी जब मेरी चीज़ें बहुत सारी आ गई इसका एक दिन मैं आपको लाइक फुल पूरे का पूरा जो इसका डिस्क्रिप्शन के साथ आपको दूंगी एक टूर बेड का लेकिन अभी मैंने आपको जस्ट एक थोड़ी सी झलक ही दिखाई है इसकी उसके बाद मैं ना ये एक बॉक्स लेके आई थी आ, स्टोरेज बॉक्स है ये भी तो एक दिन हम वैसे ही घूमते घूमते एक दिन टाउन गए तो मैं विल्किसन चली गई तो वहाँ से मुझे ये बहुत पसंद आया तो ये मैंने ले लिया इसके अंदर बहुत सारा सामान आ जाता है दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली और उसके बाद यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स आ गई थी और हमारी थी उस दिन एक छोटी सी किटी पार्टी काइंड kind ऑफ of. और बहुत सारी चीज़ें मैंने उस दिन बनाई थी घर पर लाइक like टिक्की चाट बनाई थी चना चाट जैसे सैलड होती है ब्रेड पकौड़े और पनीर के पकौड़े साथ में दो तरह की मिठाइयाँ और हाँ गोल गोलगप्पे भी और गोल गोलगप्पे भी घर पे ही फ्राई किए थे और पानी भी मैंने घर पर ही रेडी किया था और गोलगप्पे खाने का बहुत मज़ा आया था तो सब लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया और क्योंकि उस दिन प्रिया का बर्थडे भी था तो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा प्रेपरेशन कर ली थी लाइक तो सब लोग आ भी रहे थे और प्रिया का बर्थडे भी था और इस वजह से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान बनाया और जो पनीर के पकौड़े थे ना वो बाहर से मंगाए थे और मिठाई भी बाकी सब चीज़ें घर पे तैयार की थी हमने तो यहाँ पे हम सहेलियों की बातें चल रही हैं इधर उधर की चटपटर आपको पता है लेडीज़ जब बैठ जाते हैं तो फिर आ, सब बातें करनी होती है बच्चों की घर की स्कूल्स की यू नो you know, हर चीज़ की कभी जॉब्स के आ, साथ रिलेटेड हम बातें करने लग जाते हैं कि एक आजकल जो यू नो एवरीथिंग इतनी एक्सपेंसिव होती जा रही है तो ये एक बड़ा कॉमन टॉपिक हो गया कि अगर चार लोग बैठते हैं तो ये टॉपिक तो ज़रूर सी ज़रूर लाइक ये एकदम वहाँ पर स्टार्ट होता ही होता है जहाँ भी आप चले जाओ तो इसमें वैसा कोई ऐसा है भी नहीं कि यूके में आ, इतने साल से मैं रह रही हूँ मेरे को फिफ्टीन इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे नवंबर में बट इस टाइम पे जो इतना एक्सपेंस बढ़ गए हैं घर के लाइक like, ये जो आपकी ग्रॉसरी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल वाटर बिल्स सब इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आ, सब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। लेकिन इतने साल हमें कभी फील ही नहीं हुआ था कि ये चीजें महंगी हैं। वी जस्ट गो बाय एंड कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हाँ हमने यू नो मनी स्पेंड की है तो बस यही सब बातें यहाँ पे हम चल कर रही थी चारों की चारों और उधर बच्चे अपना टीवी इंजॉय कर रहे थे और खाना पीना इंजॉय कर रहे थे सब लोग चले गए थे और उसके बाद हमने प्रिया के लिए केक ले के आए हुए थे और केक कटिंग किया और उस दिन ये हुआ था कि साहिल और प्रभ नहीं आ पाए थे क्योंकि यू नो उनकी जो डिलीवरी प्रब की जो डिलीवरी डेट थी वो बहुत ही नज़दीक थी तो वो कह रहे थे कि अब तो दीदी मैं नहीं आ पाऊँगी चोदी हैप्पी बर्थडे ठग जा फिर दिखाओ हैप्पी बर्थडे व्हाट आवर व्हाट हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे व्हाट आवर और डूड लीवर क्या पढ़ जम्मा इसकी कब तक है आपका कितना है बेटा फ़ोन देखिए मूल मूल बढ़ जानी चच्चम कमांड सर आप देखो साकेत जो है वो फिर से गेम खेलने लग गया है और रिदिमा और प्रिया का फन चल रहा है यहाँ पर दोनों कजन्स हैं एक जैसी लगी रहती हैं वो इतना बड़ा नाइफ है लेकर के उसको लाइक यू नो जस्ट प्रटेंड ही कर रही है तो बस लगी हुई हैं दोनों के दोनों और उसके बाद ये है नेक्स्ट लाइक मॉर्निंग की uh, वीडियो हमारी um, हम ना मार्केट गए थे इंटरनेशनल मार्केट हमारे यहाँ पर संडे वाली मार्केट लगती है तो हमें ना ये सोफाज के लिए कवर लेने थे तो कुदरती हमें वहाँ पे ही मिल गए तो मैंने सोचा कि चलो जी ये तो हमारा इधर ही काम निपट गया नहीं तो मैं सोच रही थी कि शीन से या फिर कोई और लाइक अमेजोन के किसी ना किसी यू you नो know, ऐसी ऑनलाइन मैं मंगवाऊंगी और साइज़ वगैरह भी मेजरमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर मेरे को लेकिन जब ये मार्केट में ही मिल गए तो आई वाज लाइक सो हैप्पी कि चलो मेरा तो इधर ही काम ख़त्म हो गया तो ये आई थिंक टेन पाउंड का पर पीस उन्होंने दिया हमें थ्री पीसीज हम लेके आए थे एक थ्री सीटर और टू 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 सीटर्स वाले तो तीनों का ही टेन टेन पाउंड में उसने हमें दिया था तो बहुत अच्छे हैं ये और बहुत ही नाइसली फिट हो गए थे इनके साइड्स पे इलास्टिक भी लगी हुई है और बहुत ही अच्छे से फिट हो जाते हैं ये और इनको एकदम नाइसली आप जो सोफा के एजिज में भी टक कर दो और इस सेम लाइक की लगता ही नहीं कि कवर बिछाए हुए हैं और ये बिछाए हमने फिर उस लेके आने के बाद और मैंने अपने बेडरूम के लिए नए कर्टन्स भी लेके आई थी और जी नेट के कर्टन लेके आई थी मेरे वो भी बिल्कुल ख़राब हो गए थे आपको पता है नट के कर्टनस तो लाइक हर दो साल बाद आपको चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि कितना भी धो आप उनको तो वो धीरे धीरे से यू नो है येलो होते जाते हैं वो धीरे धीरे इसलिए हमको चेंज ही करना पड़ता है थोड़े थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे हम दोनों लगे हुए हैं What the hell was that? Was it a dead boy? Come on mate, hit a six on mate. Honha Kae your... ज़ ये जो स्टेडियम आप देख रहे हो ना ये है लॉर्ड्स स्टेडियम लंडन में बहुत ही ये फेमस है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्रिकेट मैचेस होते हैं तो मेरा बेटा गया था अपने स्कूल के साथ वहाँ पर और उसने मैच वगैरह देखा यहाँ पे लाइव जैसे हो रहा था काउंटीज़ के बीच में मैच हो रहा था उसने बहुत इन्जॉय किया मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी ये कुछ आपके साथ मैं शेयर करती हूँ तो यही थी गज़ मेरी आज की वीडियो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डोंट फोरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय